साथियों, 3 अक्टूबर को कल्याण कोष एपीएफ की बैठक हुई। सभी लोग अवगत हैं क्या मिलने जा रहा है, हमें क्या लेना है। बहुत लोग व्हाट्सएप के माध्यम से विरोध जता रहे हैं, पर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। मानना या नहीं मानना तमाम सहायक अध्यापकों पर निर्भर करता है। हम लोगों ने कोई एग्रीमेंट सरकार से नहीं किया है या पट्टा नहीं लिख दिया है कि बैठक में चले गए तो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं। आज झारखंड का जो स्थिति है, जो हमारे साथी उतावले हैं, झारखंड के तमाम जिले के साथियों से मेरा कहना होगा कि हमारा लड़ाई पूरे 62,000 परिवार की वेतनमान की है। वर्तमान में आकलन जो सहायक अध्यापक पास किए आकलन पर सबों का रुझान है और सबों का कहना है कि झारखंड में आकलन सफल अध्यापक संघ के लोगों की बैठक होनी चाहिए। हमने तय किया है, हम बहुत प्रयास में है झारखंड में कि समन्वय बने, समन्वय की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास था कि आगामी 8 अक्टूबर को समन्वय की बैठक होगी, लेकिन कुछ साथियों ने सहमति नहीं जताया। लोग 8 अक्टूबर के बाद संभावना व्यक्त कर रहे हैं। इन सभी बिंदुओं को देखते हुए और हमारे सहायक अध्यापकों के भावनाओं को कद्र करते हुए, हमारे जितने शुभचिंतक झारखंड में हैं, जो अकल आकलन में सफल हुए हैं और जो नहीं हुए उनके साथ भी हम हैं, जो सीटेट हैं उनके साथ उनकी भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो झारखंड में टेट हैं उनके हित की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आकलन सफल सहायक अध्यापक संघ का गठन होना चाहिए और हम तमाम साथियों के से विचार विमर्श के बाद आगामी 8 अक्टूबर को रांची मोराबादी में 11 बजे से बैठक आहूत किया है। झारखंड के तमाम जिले के जो शुभचिंतक क्रांतिकारी से साथी हैं, जो नेतृत्व वर्ग के हैं, तमाम जिले तमाम प्रखंडों से मेरा अपील होगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर आकलन सफल अध्यापक संघ की बैठक को सफल बनावें। जय हिंद, जय झारखंड। विनोद बिहारी महतो, आपका झारखंड आंदोलनकारी।